नमस्कार, आज हम लोग पढ़ेंगे बैरोमीटर। हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, लेक्चर नंबर 7। MIM में बैरोमीटर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था बैरोमीटर के ऊपर। तो बैरोमीटर क्या है? ठीक, नॉर्मली बैरोमीटर का मतलब है वायु दाब मापी। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे चारों ओर हवा बह रही है, एयर का फ्लो हो रहा है, और एयर क्या कर रही है, एक हमारे एटमॉस्फेयर में सारी चीज़ों पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है। हमारे वातावरण पर हर जगह पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है, क्योंकि वो गैस है और गैस एक प्रेशर अप्लाई करती है। तो इस समय कितनी गैस का कितना प्रेशर है या गैस की कितनी पार्टिकल डेंसिटी है, मैंने कहा था प्रेशर है या पार्टिकल डेंसिटी ऑफ गैस, तो कितनी पार्टिकल डेंसिटी है इसको फाइंड आउट करने के लिए अर्नेस्ट टॉर्सली ने एक इक्विपमेंट बनाया जिसका नाम था बैरोमीटर। आइए हम पढ़ते हैं बैरोमीटर क्या है। नमस्कार मेरे दोस्तों, हमारे चैनल केमिकल ग्रेड डिप्लोमा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है इतना ही सही टॉपिक है बैरोमीटर। ज़्यादा लिखने के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़े, जो बात मुझसे आ रही है सटीक पॉइंट टू पॉइंट बताएं, है ना, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैरोमीटर क्या है आइए हम समझें। एक वैज्ञानिक का नाम है ई टॉर्सली, ई मतलब अर्नेस्ट टॉर्सली, ठीक। तो इन्होंने बैरोमीटर के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम एक इस तरीके से हमारे पास टब होगा, जो कि फिगर में दिखाया गया है, एक हमारे पास टब होगा जो कि मरकरी से भरा हुआ होगा, सही। और हमारे पास एक ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब होगी, पाइप, एक ट्यूब है, और इसको हम क्या करेंगे, पूरा मरकरी से भर लेंगे। क्या करेंगे, मरकरी से भर लेंगे। और मरकरी से भरने के बाद हम जो नीचे वाला सिरा है इसका, जो ओपन है, उसको क्लोज कर लेंगे, उंगली से दबा लेंगे, और उंगली से दबाने के बाद, हाथ से दबाने के बाद इसको लाएंगे, और उस टब में जिसमें मरकरी पहले से भरी है हम इसको डिप कर देंगे, डुबा देंगे, और डुबाने के बाद हम नीचे से उंगली हटा लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपके सामने फिगर जो आएगा वो इस टाइप से आएगा, जैसा कि फिगर आप देख पा रहे हो, ये फिगर वैसे बन जाता है। अब क्या होगा कि मरकरी कुछ लेवल तक इसमें चढ़ जाएगा। मरकरी कैसे चढ़ता है, मरकरी कौन चढ़ाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बाहर का जो प्रेशर है। जो बाहर का प्रेशर है वो रिस्पॉन्सिबल है इस ट्यूब में मरकरी को ऊपर जाने के लिए, लेवल को बढ़ाने के लिए। बाहर का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इसका जो टब है वो क्या है, बाहर से खुला हुआ है, ओपन है, एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर अपना ज़्यादा होगा उतना ही मरकरी ऊपर चढ़ेगा, ठीक। उतना मरकरी क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। मैंने बोला जितना बाहरी प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा, उतना ही लेवल मरकरी में ऊपर चढ़ेगा। तो इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ बैरोमीटर हम क्या करेंगे, हम बाहर का प्रेशर कितना ज़्यादा है कितना कम है हम पता कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब पता करते हैं। अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो ऊपर लेवल ज़्यादा चढ़ेगा, और लेवल कितना है वो उसको हम यहाँ पर लगी उसके बाहर जो स्केल लगी हुई है, हम उस स्केल से बहुत आसानी से हम लेवल देख पाएंगे कितने MM है। नॉर्मली जो बाहर का प्रेशर होता है वो 180 होता है। अब वो वाला प्रेशर समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर चेंज होता रहता है, जगह जगह पर चेंज होता रहता है। तो कहाँ पर कितना प्रेशर है, हम मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो इसी बैरोमीटर की हेल्प से हम वहाँ का प्रेशर पता करते हैं। आपने देखा होगा कि हम कैसे पता करते हैं कि कहीं पर भूकंप आने, कहीं पर तूफान आने वाला है, कहीं पर चक्रवात आने वाला है। तो जिस जगह पर क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है, मान लो यहाँ की एयर डिस्प्लेस हो जाती है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। तो बैरोमीटर 760 MFG ना दिखा के, 180 ना दिखा के, दिखाएगा 730, 720, 530, तो हम समझ जाएंगे हाँ प्रेशर डाउन हो रहा है। और जब प्रेशर डाउन होगा तो क्या होता है, किसी भी हायर पर जहाँ पर प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा है एयर का, वहाँ से क्या होगा, एयर जो है मूव करेगी और हमारी तरफ आएगी। जितना प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से एयर आएगी, और तेज़ी से एयर का ट्रांसफ़र होता है जब कहीं पर एयर बहती है, इसी को हम तूफान आना कहते हैं, स्टॉर्म आना कहते हैं। तो इस तरीके से हम वायुमंडलीय दाब को हम पता कर पाते हैं कितने MFG है, हम इसी बैरोमीटर की हेल्प से, ठीक। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा लिक्विड में, जो हमारा लिक्विड में मरकरी चढ़ रहा है वो उतना ज़्यादा चढ़ेगा। यहाँ पर इसके लिए क्या होता है कि एक रेफरेंस प्रेस
रेफरेंस लेवल होता है जिसको हम मान लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप दिखाया गया जीरो रेफरेंस लेवल है, और जितना ऊपर चढ़ेगा हम उसको मेयर कर लेंगे, ठीक। एक्चुअली क्या है, यहाँ से जहाँ पर तल होता है इसका, जहाँ पर तल होता है वहाँ से नापना शुरू करते हैं, ऐसा हमें फ्लूइड मैकेनिक्स बताती है, ठीक। यहाँ पर बॉटम इसका होता है, वहाँ से मेयर करना शुरू करते हैं, इसके लगी होती है जो आराम से उसको पता कर लेते हैं, ठीक। ये जीरो यहाँ लिखा भी है, आप देख पा रहे होगे, यहीं से हम पता उसको नापना शुरू करते हैं और स्केल को लगाना शुरू करते हैं। इसका बेस बना हुआ है, मरकरी भरी हुई है, ये टब है ना, और ये क्या है, एक ट्यूब है, यहाँ पर लेवल बढ़ रहा है। तो आइए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सिंस मैनोमीटर इनहेरेंटली मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द लिक्विड कॉलम, है ना। जो मैनोमीटर थे हमारे अब तक के, जो वो क्या थे, दो जगह पर जो पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस था, पी वन माइनस पी टू था, इसको बताते थे। इफ़ वन एंड इज जीरो, अगर वन एंड जीरो पर रख दिया जाए, एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो पर रख दिया जाए, जैसे कि आप कहाँ देखो वन एंड जीरो कहाँ पे है भाई, वन एंड जीरो कहाँ पे है, जो मरकरी यहाँ पर भरी हुई है, यहाँ पर हम जब मानते हैं कि यहाँ पर एंड कितना है, जो मरकरी जहाँ तक भरी हुई है यहाँ पर एंड जीरो है, ठीक। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि प्रेशर जीरो है, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है होता वहाँ पर कुछ ना कुछ एयर पहले से इन्वॉल्व हो, कहीं पर भी जीरो प्रेशर मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, मगर हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर प्रेशर जीरो है, जीरो एम एफ एच जी है। तो हमने दो जगह के पॉइंट पर, यहाँ पर और यहाँ पर, जो हमारा आपने देखा कि दो पॉइंट थे, इनमें से एक का जीरो मान लिया, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही हमें लेवल के द्वारा डिफरेंस जो होगा उससे मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो देन द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम जीरो रेफरेंस इंडिकेट एब्सोल्यूट प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर है उसके बारे में बताता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर इज बेल्ट टाइप एब्सोल्यूट प्रेशर गेज, ये बेल्ट टाइप है क्योंकि जो बाहर का टब है वो बेल्ट टाइप का बना हुआ है, बेल्ट टाइप एब्सोल्यूट प्रेशर गेज हुज प्रेशर रेंज इज फ्रॉम जीरो, जो जीरो से प्रेशर को नापना शुरू करता है, एब्सोल्यूट टू एटमोसफेयर प्रेशर, जो 1 atm तक नापता है, ठीक। यहाँ से हम प्रेशर को जीरो से लेकर एब्सोल्यूट प्रेशर से लेकर 1 atm तक नाप सकते हैं। 1 atm से ज़्यादा प्रेशर जो है इसमें अक्सर नहीं नापा जाता है, क्योंकि इसकी इसमें जो कैलिब्रेटर स्केल है 1 atm तक ही होती है, कहीं पर प्रेशर नॉर्मली 1 atm से ज़्यादा नहीं होता है, प्रेशर होता है तो कहीं पर उससे कम ही होता है। तो इस तरीके से हम बीच की वैल्यू किसी को भी नाप सकते हैं। इट्स रीडिंग आर जनरली इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एम ओ एफ एच जी में होता है, और 1 atm में कस टू 760 mFg होता है, कहीं पर अगर प्रेशर जो है लेवल इसका जो है 760 से कम है तो हम समझ जाएंगे भाई कि वहाँ पर जो है वैक्यूम है। कितना वैक्यूम है, तो 760 माइनस जो वैल्यू है हमारा 750 है, तो 10 mmHg का वैक्यूम है। विद द बैरोमीटर हाई वैक्यूम आर नॉट मेजर्ड, बहुत ज़्यादा वैक्यूम है तो हम इसको मेजर नहीं इससे नहीं कर सकते हैं, हम थोड़ा कम वैक्यूम हुआ तभी इससे मेजर कर पाते हैं। हाई वैक्यूम मेजर करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे इंक्लाइन मैनोमीटर, जिसमें हम बताएंगे। तो द प्रेशर इन द एब्यूकेटरी पोर्सन ऑफ बैरोमीटर इज नॉट रियली एब्सोल्यूट जीरो बट रेदर वेपर प्रेशर ऑफ द फिलिंग फ्लूइड, तो यहाँ पर जो एक्चुअली यहाँ पर जो प्रेशर है, मैंने बोला कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो जीरो नहीं होता है, ठीक, जीरो नहीं होता है। अगर वो जीरो तभी होगा जब इसका वेपर प्रेशर बिल्कुल भी जीरो होगा, ठीक, जबकि किसी भी टाइम पर वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ मात्रा में मरकरी का वेपर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम पूरा जीरो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और मैंने कहा दोनों जगह डिफरेंस को हम यहाँ पर ऐसे हाइट जो पता करते हैं उससे मिल लेते हैं, पहले वाले का जीरो होना चाहिए मगर यहाँ पर जीरो नहीं होता, इसलिए कुछ एरर्स भी हमारे सामने आती है, हालाँकि वो एरर बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको आसानी से इग्नोर कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम किसी भी एम्बिएंट टेम्परेचर पर बहुत आसानी से हम बैरोमेट्रिक प्रेशर, वातावरण के दाब, है ना, एयर द्वारा लगाया गया वातावरण पर दाब जो है उसको हम पता कर पाते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग ई टॉर्सली एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बनाया। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कैसे होता है। सबसे पहले आप लिखोगे प्रिंसिपल के बारे में, तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर जो प्रेशर लगता है वो किसी लिक्विड कॉलम की हाइट को इंक्रीज करता है, उसके वेट को बैलेंस करता है, इस काम पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। और फिर कंस्ट्रक्शन क्या है तो आप बताओगे कि उसमें एक बेल्ट टाइप का सिस्टम होता है, एक टब होता है और इसमें एक ट्यूब होती है, मरकरी को दोनों जगह भर देते हैं, फिर उसको उल्टा करके उसमें लगा देते हैं, इस तरीके से सिस्टम हमारा तैयार हो जाता है, ये कंस्ट्रक्शन है उसका। हम किसी जगह के हम प्रेशर नापना होता है, हम वहाँ पर सिस्टम को ले आते हैं और थोड़ी देर में क्या है कि लेवल बैलेंस हो जाता है और हम लेवल की वैल्यू को काउंट कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, उसी से हम प्रेशर को पता कर पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप काफ़ी समझ गए होंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल केमिकल ग्रेड डिप्लोमा और केमिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, उनको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।